राधा स्वामी। आज पोह महीने का सत्संग है। मैं मालिक के आगे प्रार्थना करता हूँ कि आप सबके लिए ये महीना सुखदायक हो, आपको तंदुरुस्ती मिले, आपके घरों में शांति आए, और सबसे ज़्यादा ये बात कहूँगा कि आपको गुरुवाणी की समझ आए और आप उस पर चलो ताकि तुम्हारा भी कल्याण हो सके। शब्द निकालो, पोह महीने का शब्द निकालो जरा। स्वामी जी महाराज ने शब्द लिखा है पोह महीने के ऊपर, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि उसमें तुम्हारे काम की बात नहीं है, वो उनके लिए है जो इस दुनिया से उपराम हो गया है और वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ न कुछ कहता जाऊँगा, अपने पकड़ने की कोशिश करना। कहिए, चलिए दो लाइने पहले आराम से बोलो कि इस शब्द का महत्व क्या है, क्यों लिखा उन्होंने ये शब्द, तो पढ़िए। राधा स्वामी कुल मालिक, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। पूष मास सातवां, वर्णन स्वरूप सूरत और शब्द का और उपदेश सतगुरु भक्ति और सत्संग का। पहली बात तो ये समझो कि आम दुनिया में इस बात का किसी को पता नहीं है कि सतगुरु किसको कहते हैं और सुरत किसको कहते हैं, किसी को नहीं पता। इसलिए दुनिया मन के चक्कर में बनी रहती है, मन को ही सब कुछ समझा हुआ है, अपने आप को जाना नहीं, मन की बात करते हैं जो भी करेंगे। और जो मन के लेवल की बात है वो सदा रहने वाली नहीं है। मैं जो बात कहूँगा उसको समझते जाना, मैं बाबा फकीर जी के स्थान से बोल रहा हूँ। और जो मन है ये तो कभी स्थिर हुआ ही नहीं और इसकी कल्पना कभी सत्य हो ही नहीं सकती, ये तो भमरा है, कभी इधर भागा कभी उधर भागा कभी उधर भागा, ये आपको सुख शांति नहीं दे सकता। पहली बात तो ये है। और यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि क्या इसमें कहा कि सुरत और शब्द का भेद पहले बताते हैं। पढ़ो यही पहले दो, पहले दो लाइनें पढ़ो। पहली लाइन वर्णन स्वरूप सुरत और शब्द का। हाँ, किस चीज का बताया सुरत और शब्द क्या है, और फिर आगे क्या कहा, और उपदेश सतगुरु भक्ति और सत्संग का। और क्या फिर होगा, उपदेश किसका, सतगुरु का। किस लिए, सत्संग और भक्ति का। भक्ति क्या है और सत्संग क्या है ये भी बात समझने वाली है। मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे भक्ति तुम अब कर रहे हो जो बैठे हो सत्संग में, ये तुम्हारी भक्ति है। शर्त ये है कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो और आपका मन आपके साथ है, आपका मन कहीं बाहर नहीं है, यही हर बात को ध्यान से सुन रहे हो और मेरी बात को पकड़ रहे हो, ये तुम्हारी भक्ति है। सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग तुम्हारी इस भक्ति से तुम्हें सत्य के साथ संग होगा। वो सत्य क्या है, जो सत्य के साथ तुम्हें मिलाए, जिस जगह बैठकर, जिस संगत में बैठकर, जिस इकट्ठ में बैठकर, जहां महापुरुष अपना वचन कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, वो आपको अपने वचनों द्वारा, अपने उपदेश द्वारा, अपने अनुभव द्वारा तुम्हें उस सत्य के साथ मिला देते हैं, उसका नाम सत्संग है। क्या कहा मैंने, दो बातें मैंने आपको कह दी, सत्संग क्या है। अब सवाल पैदा होता है कि सुरत क्या है, सुरत और शब्द। शब्द तो बहुत दूर है, पहले सुरत को ही नहीं समझे हम लोग। मैं और कुछ कहने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ। आप जब भी कोई बात करते हो, आज भी सुबह एक आदमी मेरे पास आ गया, वो कभी कहीं की डींग मारे, कभी कहीं की बात करे, कभी कहीं की बात करे। मैं कहा चाय पी ले, पहले चाय पी ली, और फिर मैंने उसको यही कहा तेरी उम्र कितनी होगी, 75 साल। मैं कहा अब दुनिया की बातें करना बंद कर दो, कभी अपने बात में भी बात करो, ये उम्र जा रही है, तुम अपने बात में तो बात नहीं करते हो। कोई नहीं अपने बारे में सोचता, दुनिया की बातें जितनी मर्जी कर लो,
वो कर लगा इसके अखबार की बात, टेलीविजन, मैं का ना मैं अखबार पढ़ता हूँ ना मैं टेलीविजन देखता हूँ, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे अंदर ही टेलीविजन लगी हुई है, मेरे अंदर ही सब कुछ है, मैं बाहर को क्या लेना, बाहर का तो जो सुबह है वो शाम को नहीं है, जो शाम को है वो सुबह को नहीं है, बदल रहा है हर चीज़। और तुम्हारे अंदर भी एक चीज़ हर वक्त बदल रही है, और एक चीज़ ऐसी जो कभी बदलती नहीं, वो हमेशा दायम और कायम है, जो दायम और कायम है वो सुरत है। अब मैं इसको थोड़ा और खोल देता हूँ ताकि तुम्हारी लाइन साफ हो जाए। ये हमारा शरीर पांच तत्व का बना हुआ है, ये तो सबको पता है कि ये जाना है जाना है जाना है, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है, तुम इतना भी नहीं सोचते कि मैं बचपन में क्या था, मैं जवानी में क्या था, अब मैं किधर जा रहा हूँ। तो शरीर क्षीण हो रहा है, बदल रहा है, बदल नहीं रहा, तो जो चीज़ बदलती वो रहती नहीं है, वो अंत हो जाता है उसका, वो तो कभी रहेगी नहीं, जो बदल रही है उसका अंत है। तो शरीर हमारा सदा रहने वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात, दूसरा हमारे अंदर मन है। मैं बहुत सोचता हूँ कि मन, जब मैं बचपन में था, छोटा था, जहाँ जैसे मैंने कल भी इस बात को, चंडीगढ़ में मेरा सत्संग था, मुझे नहीं पता कि जब मैं माँ के गर्भ में था मेरा मन था या नहीं था, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर महसूस हो रहा है कि मैं वहाँ था। मैं का मतलब माल के कुल की अंश, जिसको सुरत कहते हैं, वो थी वहाँ। उस वक्त अंग नहीं बने थे, पांचों अंग नहीं बने थे, उस वक्त मन बुद्ध चित्त अहंकार भी नहीं था, मेरी पांच ज्ञान इंद्रियां भी नहीं थी, मेरा कर्म इंद्रियां भी नहीं थे, वो धीरे धीरे कुदरत ने उसको बनाया और फिर उसमें अपने अंश को वहाँ ठहरा दिया और मुझे इस दुनिया में भेज दिया, जाओ अपना पहले किया हुआ कर्म को पूरा करो। हमारा जन्म देने वाला हमारा कर्म है, कर्म भोग लिए, इस अगले पिछले सारे खत्म हो गए, चिट्ठी साफ हो गई, फिर तुम्हारा जन्म नहीं होगा। जब तक कोई आशा है, कोई कामना है, कोई ख्वाहिश है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, अटैचमेंट है, मोह है, चाहे गुरु के शरीर के साथ है, चाहे गुरु के डेरे के साथ है, चाहे गुरु की गद्दी के साथ है, चाहे बच्चों के साथ है, धन के साथ है, औरत के साथ, जिससे भी तुम्हारी अटैचमेंट है, वो तुम्हें इस दुनिया से पार नहीं जाने देगी। इसलिए सनातन धर्म में चार युग बताए गए हैं, चार, क्या, एक गृहस्थ आश्रम, दूसरा, पहला हमारा जो ब्रह्मचर्य का आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद सन्यासी है, सन्यास का है। सन्यासी एक जगह तीन दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकता, लेकिन अब तो जमाने बदल गया, कलयुग है, अब तो सन्यासी तो राज कर रहे हैं, उनको क्या पता कि हम क्यों सन्यासी बने, उनको पता ही नहीं है। सन्यास घर में रहते हुए, जैसे गुरबाणी में कहा है, संध्या खटंदया पहनदया बिच्छे हो गए मुक्त, ये गुरबाणी कहती है कि तुम घर में रहते हुए मुक्त प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि घर में रहते हुए तुम्हें सारी जिंदगी का तजुर्बा मिलता है। तो मन मेरा कब बना? पूरा मन था, संस्कार आए, माँ के गर्भ से संस्कार जरूर आए, और वो संस्कार जो थे वो जब बाहर आए तो मुझे पता ही नहीं मेरा माँ कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा चाचा कौन है, मेरा ताया कौन, मेरा धर्म कौन सा, मेरा देश कौन, उसको पता है। हमें यहाँ आकर सब चीज़ों का ज्ञान हुआ, पता लगा, हमारा मन बलवान होता गया, और हम मन के पीछे लगकर ना जाने क्या क्या करते हैं। मन ने धर्म बना दिए, मन ने ही जातियाँ बना दी, मन ने ही देश बना दिए, मन ने अपना बना दिया, मन ने पराया बना दिया, मन ने प्यार पैदा किया, मन ने दुश्मनी पैदा की, क्या नहीं किया, नहीं। और जब आप सो जाते हो, मन कहाँ होता है? मन नहीं होता, मन नहीं है। मन को मरने से पहले मारना पड़ेगा, मन से आज़ाद होना पड़ेगा, अपनी कामनाओं को रोकना पड़ेगा, अपनी अटैचमेंट को भी रोकना पड़ेगा, अपने आप में आने की कोशिश करना पड़ेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि सुरत क्या है, उससे पहले नहीं पता लगेगा।
मन की बात आपको कर दी। तीसरी चीज आप में सिर्फ एक आत्मा है, आत्मा क्या प्रकाश है, वो प्रकाश है। प्रकाश के बगैर दुनिया में कोई चीज पैदा नहीं होती। जैसे मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी ने बताया था, हमारा शरीर सबल ब्रह्म से बना, सबल ब्रह्म मीन ठोस पदार्थ, उसको खाते हैं और हमारा शरीर बना है। अगर हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, शरीर सिकुड़ जाएगा। सबल ब्रह्म से हमारा शरीर बना, शुद्ध ब्रह्म से हमारा मन बना। एक ब्रह्मंडी मन भी है, जैसे शास्त्रों में कहा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मंड में चीजें वो हमारे शरीर में हैं। सभी देवी देवता सब आपके शरीर में हैं, सब नदियां नाले तुम्हारे अंदर हैं, सब कुछ तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम तो बाहर भटकते हैं, कभी अंदर अपने जाते ही नहीं हैं, कभी नीचे गए नहीं, कहाँ से चलना है, कहाँ से कहाँ जाना है। कहा गया है कि जब जाप करो, नाम का जाप करो, किस नाम का जाप करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो वो प्रकाश है आपकी आत्मा जो है, वो हमारे शरीर की एक मशीनरी है जो इसको चला रही, गर्म गर्म हमारा शरीर गर्म है। और जब हम स्वप्न में चल जाते हैं तो मन और आत्मा अपना खेल खेले, अंदर प्रकाश हो जाता है ना, तो वो क्या है, वो प्रकाश तुम्हारी आत्मा का है और मन तुम्हारा खेल खेलता है। इसके आगे एक और चीज़ है, ये प्रकाश भी पार ब्रह्म से आया है, बाहर से आया है। और आखिरी चीज़ जो सबसे उत्तम है, बड़ी है, जिसके बारे में संतों ने कहा कि उसकी खोज करो, किसी संत ने ये नहीं कहा कि भगवान की खोज करो। क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो संत पहुंचे हुए संत थे, जा जिन्होंने वहां जाकर देखा, उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान की तुम पूजा करो, जा भगवान की खोज करो। सबने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में भगवान का नाम नहीं है। दाता दयाल ने कहा, घट में दर्शन पाओगे, संदेश में कुछ नहीं। ये कहा ना, तो इसका मतलब वो चीज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अपने अंदर है, बाहर तो है नहीं। ऐसे ही गुरु नानक साहब ने कहा, उनकी वाणी है, घट में है सूझित नहीं, लानत ऐसी जिंद। कितनी ऊंची बात कह दी नानक, इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। कहते इनकी नजरें खराब हो गई, इनको नजर ही नहीं आता कि वो अंदर में है। और फिर एक शब्द आपने सुना था, काहे रे मन खोजन जाई, सर्वव्यापी सदा निरंतर तेरे संग समाई, तेरे अंदर है भाई वो। और फैसला कर दिया आखिर में गुरु नानक साहब ने, जन नानक बिन आपा चिन्हे मिटना भ्रम की काई। अपने आप को जानने से पहले आपको कभी भी तुम्हारी जिंदगी के भ्रम दूर नहीं होंगे। वो अपने आप को जानना क्या है। फिर मैंने एक, जब मैं 12वीं में पढ़ता था तो एक अंग्रेजी की पोएम होती थी, अंग्रेजी की, जिसको कविता कहते हैं, वो पोप एलेक्जेंडर की लिखी हुई है, मैंने अभी तक नहीं उसको भूला। जो उसमें लाइन लिखी, मैं बड़ा उसको पढ़कर खुश हुआ। उसने कहा, प्रज्यूम नॉट गॉड टू स्कैम, ये कभी भी आप ना सोचो कि भगवान तुम्हारा इम्तिहान लेगा, तुम्हारी पूछगिछ करेगा। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, इंसान की ही, इंसान को जानना ही सबसे अच्छी शिक्षा है। जे पोप ने कहा, जो ईसाइयों का सबसे बड़ा गुरु जिसको माना जाता है, उसने भी यही कहा। उसने ये नहीं कहा कि हम मरने के बाद दोबारा पैदा होंगे, कब्र में चल जाएंगे, मेरी बात। लेकिन चलाया हुआ दुनिया ने सिलसिला, अपने रोटी पानी का सिलसिला चल रहा है। तो वो क्या है जिसके बारे में कहा, उसको कहते हैं सुरत, वो तुम हो। और वो तुम कब वहां पहुंचोगे, वहां पे पहुंचोगे कब, जब गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर सच्चे होकर चलोगे। और सच्चे होकर तभी चल पाओगे जब तुम्हारी कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही, ये बात नोट कर लो। जब तुम्हारी कोई आशा और है नहीं, जब तुम्हारी और कोई कामना नहीं है, तुम और कुछ नहीं चाहते, तुम अपने घर जाना चाहते हो, तुम अपने आप को जानना चाहते हो, क्योंकि मेरा अपना ये हाल रहा है, मैं गुरु के पास क्यों गया,
केवल इसलिए कि मुझे ज्ञान मिल जाए कि माता से यही एक संस्कार मिला था और कहाँ पहुंचा, पता लगा कि ऐ इंसान न तू शरीर है, न तू मन है, न तू आत्मा है, तू इन सब का विटनेस है, इन सब का तू देखने वाला है, तू साक्षी है और तू ही माल के कुल की अंश है, बाकी तीनों चीजें नाश हो जाएंगी। क्या कहा मैंने? तो पहली दो लाइनों का तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो क्या कहना चाहते हैं, सुरत क्या है, सत्संग क्या है। ये ढोलकी सहने वाली बात नहीं है, ये त्रेता युग की बात नहीं है, ये द्वापर युग की भी बात नहीं है, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे काम की आज है, आज आज इस वक्त, इस समय, इस पल में जो तुम सुन रहे हो वो तुम्हारा काम देगा, बाकी पिछली कहानी तुम्हारा काम नहीं देगी। हो सकता है उससे तुम्हें मनोरंजन मिले, तुम नाचने भी लग जाओ, तुम तालियां भी बजाओ, बजाओ फिर, मैं क्या कहता हूँ, मुझे तो कोई इतराजगी नहीं है। अब पढ़ो अगली लाइन, सुनो अब आगे क्या कहते हैं। मुख्य उपाय प्राप्ति मेहर और दया का है। फिर दया हो जाती है, फिर उसकी दया होगी। क्यों दया होगी? अब ये भी मैं बता देता हूँ, आप कहीं यही ना समझना कि मत्था टेकने से दया हो जाएगी। शरीर द्वारा कोई भी जो पूजा तुम करोगे उसकी पूजा की सीमा तुम्हारे यहां कमरे तक है, उससे बाहर नहीं। उसके बाद तुम मंदिर को दरवाजा बंद कर देते हो, करते हो कि नहीं करते? तुम्हारे शरीर द्वारा कोई भी क्रिया कर्म जो तुम करते हो उसकी सीमा इतनी है जितना तुम्हारा शरीर है, इससे ज्यादा नहीं। एक बात। दूसरी बात, जो तुम मन से प्रार्थना करते हो, नाम जपते हो, ध्यान करते हो, या कुछ भी तुम करते हो अंदर अपने बैठकर, उसकी भी सीमा है, उसकी भी हद है। कैसे हद है? उसकी हद जहां तक है जहां तक तुमने देखा हुआ है किसी चीज को। जिसको देखा नहीं है तुम्हारे मन में वो चीज शर्मा जी आएगी नहीं, जिसको देखा है वहां तक तुम्हारी वो सीमा है तुम्हारे मन की। गुरु को देखा है तो गुरु की मूर्ति तुम मन से देख सकते हो, सत्संग में गए हो सत्संग की बात भी मन से तुम पकड़ सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं जाओगे। जिसको चीज को तुम देखा नहीं तुम कैसे उसकी बात कर सकते हो? मेरे सोचो मेरी बात को, तुम्हारा मन सिर्फ वहां तक है जहां तक तुमने कुछ देखा है, जहां तक तुमने कुछ पढ़ा है, जहां तक तुमने कुछ सुना है, जहां तक तुमने कुछ खाया है। खाने की भी मैं बात कर देता हूं, जिस चीज को तुमने खाया ही नहीं तुम्हें उसका स्वाद कैसे लगेगा? नहीं लगेगा ना, लग जाएगा। कोई चीज पड़ी है तुमके पूछे इसका स्वाद कैसा, आप कहोगे मैंने तो खाई नहीं कभी, यही कहोगे ना, क्योंकि तुमने खाई नहीं, तुम्हारा मन जानता ही नहीं उसका स्वाद क्या है। तो मन की भी सीमा है, मन वहां तक नहीं जा सकता। कहां तक? जहां से तुम आए हो। तीसरी बात, तुम्हारी आत्मा है, आत्मा प्रकाश रूप है, वहां तक तुम चले जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। प्रकाश में जाने से क्या मिलता है? प्रकाश में जाने से ज्ञान मिलता है, ज्ञान तुम्हें नजर आता सब कुछ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि बाहर बारिश हो रही, घोर अंधेरा है, बिजली भी चली गई तो कुछ नजर आएगा शर्मा जी? तुम अंदर नहीं आओगे, तुम हिलोगे भी नहीं, जहां बैठो वो बैठे रहो, हिलना नहीं, बिजली चली गई। मेरी बात को समझ रहे हो? प्रकाश से केवल ज्ञान हो जाता है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मुझे इधर चलना चाहिए, इधर नहीं चलना चाहिए, ये बात ठीक है, ये संगत ठीक है। मेरी बात को पकड़ रहे हो? प्रकाश ज्ञान देता है, तुम्हें जीने का राज बताता है, और इससे ज्यादा प्रकाश से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब रही चौथी चीज। चौथी चीज वो है जिसको संतों ने सुरत कहा है। जब तुम वहां चले जाओगे, जब तुम उस स्टेज पर चले जाओगे, तुम्हें कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पिता की गोद में चले गए हो।
तुम अपने सोर्स के साथ चले गए हो, फिर ये उसकी ड्यूटी बन जाती है कि तुम्हारी देखभाल करना। क्या कहा मैंने अशोक कुमार, मेरी बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। ये है सुरत। सुरत केवल तुम्हें उस परम तत्व से मिला सकती है, सुरत केवल तुम्हें उस घर का पता दे सकती है जहाँ से वो आई है। तुम्हारा मन वहाँ नहीं जा सकता, तुम्हारी बुद्धि भी वहाँ नहीं जा सकती। परम दयाल जी महाराज इसलिए कहा करते थे, स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स वेयर इंटेलेक्ट एंड्स, जहाँ बुद्धि खत्म हो जाती है उससे आगे जाकर कहीं संत मत शुरू होता है, अध्यात्म शुरू होता है। मगर हम तो मन का आनंद लेते हैं, लेते रहो भाई, मन का आनंद लेते रहो, और कभी आत्मानंद भी ले लो आप, कभी सुरत का आनंद भी लेके देखो। मानवता मंदिर में तुम आते हो, हाय हाय करते हो, जब तक तुम मन में हो हाय हाय खत्म नहीं होगी। जब तुम मेरे तेरे में हो, मन की सीमा में हो, शरीर की सीमा में हो, तुम्हें दुनिया के संबंध में रहना पड़ेगा, तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तब भी गुजारा नहीं है। इसलिए यही संत लिखते हैं, स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि वहाँ कौन पहुँचेगा, विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत नहीं जाके, खोजत फिरे साधु गुर जाके। वो होगा, वो कब होगा, जब वो सारा गृहस्थ जीवन को अनुभव कर लेगा, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, जो भी हमारी स्टेजेस हैं, जो हमारा जीवन में हमारे पथ है, हमारे स्टेजेस हैं, बेटे के रूप में, फिर पति के रूप में, फिर पिता के रूप में, बेटे के रूप में, माँ के रूप में, ये काम अगर हम नहीं करेंगे तो तुम उस रास्ते पर नहीं आ सकते। जो भी कुदरत ने तुम्हें तुम्हारे साथ लगाए हैं, परिवार लगाया है, तुम्हारा उनके प्रति पहला धर्म है। बाकी कोई और धर्म जो दुनिया का है वो एक दुनिया का एक अपना सिस्टम है, चलाने वाला, चलाने वालों ने चलाया हुआ है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे घर से शुरू होता है, और मैं क्या कहूँ। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा, चैरिटी बिगिन्स एट होम। घर में दान करो, घर में सेवा करो, घर में भोजन कराओ बच्चों को प्रेम के साथ, वही तो लंगर है। और कौन सा लंगर, माँ को रोटी नहीं मिली, बाजार में लंगर लगा दिया तुमने, तो वो क्या आपके काम आएगा, वो नहीं आएगा। जो कुछ करना है अपने घर में करो, जो मालिक ने तुम्हारे साथ जोड़े हैं उनकी सेवा करो, दिल से सेवा करो, तुम्हें अपने आप रास्ता साफ होता जाएगा, क्योंकि तुमने बात को समझ लिया कि इनमें ही वो बैठा हुआ है, तुमने उनकी सेवा की, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्या कहा मैंने, अब पढ़ो क्या कहते स्वामी जी महाराज। उस महीना जाड़ा भारे, करम भरम जो फूस जलाए। अब नई बात कही है उन्होंने, नई बात कही है। सर्दी का मौसम आ गया ना, तो फिर हम सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं, आग जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, और क्या उसको ब्लोअर जला लेते हैं, या एसी जलाते हैं ना, ठंड ना लगे, शरीर को गर्म रखने के लिए हम ये करते हैं। यहाँ स्वामी जी महाराज नवी बात कर रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, पर लेकिन इसको समझेगा कौन। मैं समझाता हूँ जितना मेरी अकल में आया, जो सतगुरु बाबा फकीर के चरणों में बैठकर मुझे प्राप्त हुआ मैं उसको बताता हूँ। पढ़ो वे लाएं यही। उस महीना जाड़ा भारे, करम भरम जो फूस जलाए। वो कहते हैं कि पो का महीना सर्दी का आ गया, और फिर इस सर्दी में क्या जला, क्या भस्म हो गया, कौन सी चीज भस्म हुई, हमारे कर्म और हमारे भरम। ये कहा,
कैसे हुए होंगे ये तो स्वामी जी महाराज जाने, लेकिन मैं जो समझा वो मैं बता देता हूँ। भ्रम जो है, भ्रम हम जो चीज है नहीं उसको ही सत्य मान लेते हैं कि ये है, वो भ्रम है। जैसे हमने मान लिया कि किसी पत्थर में भगवान है, वो भ्रम है। या दूसरे शब्द में कहूँ, तुम्हारी अपनी आस्था है, और तुम्हारी आस्था किसके कारण है? मन के कारण है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? वो कहते हैं कर्म भ्रम जल गए। कैसे? जैसे हम सर्दी में लकड़ी जलाकर अपने शरीर को गर्म करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इस महीने में जो हमारे कर्म किए हुए थे वो सब जल गए और वो भस्म हो गए। हमारे भ्रम भी सारे जाते रहे, हमें पूरा ज्ञान हो गया कि ये दुनिया क्या है। ये कहना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से। अगली लाइन क्या कहते हैं वो पढ़ो। जल जल ढेर हुआ जब भारे, जब वो सब कुछ जल गया, कर्म भी जल गए, भ्रम भी गए, खत्म हो गए, किस चीज से हुए? आगे करो। जल जल ढेर हुआ जब भारे, प्रेम पवन से तुरंत उड़ाए। वो कहते हैं प्रेम की हवा चली और वो सब उड़ गए, भस्म उड़ जाती है ना। अब इस बात को समझने की कोशिश करना आप लोगों ने, क्योंकि पहले उन्होंने सतगुरु और सुरत की बात कही है ना, सत्संग की बात कही है। जब तुम्हें सत्संग मिल गया, तुम्हें ये पता लग गया कि मैं किधर जाना है, मैं मन के पीछे नहीं लगना है, मैंने आत्मा के पीछे भी नहीं लगना, मैंने शरीर की भी ज़्यादा इसका पालन पोषण तो करना है लेकिन इसका दिखावा नहीं करना। जब ये चीज़ पता लग गई तो फिर क्या होगा? फिर प्रेम पैदा होगा। किस से प्रेम पैदा होगा? अब सवाल ये पैदा होता है, स्वामी जी ने इस बात को खोला नहीं, पर्दे में रखा। मैं इसको खोलने का अधिकार रखता हूँ। वो प्रेम फिर किससे पैदा होता है? तुम्हारा मन का प्रेम खत्म हो गया, जल गया, तुम्हारी आत्मा की भी भावनाएं वो भी एक तरफ हो गई, तुम्हारी बार का कर्म कांड सब खत्म हो गया, तुम्हारा प्रेम फिर आंधी कहाँ चली, तुम्हारा प्रेम आपके अपने साथ अंदर हो गया, अपने साथ। फिर पढ़ो यही लाइन। जल जल ढेर हुआ जब भारी, प्रेम पवन से तुरंत उड़ाए। अब क्या हो गया? विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामनासा, धन संतान पीत नहीं जाके, खोजत परे साधु गुरु जाके, वो पता लगा बाबा की बेचे कहा बेटा इस मन से आगे जाना है, मन की किताब पढ़, तेरा मन क्या करता है। जब मन की किताब पढ़ता चला तो मन की किताब ही खत्म हो गई, फिर आगे क्या है? फिर आगे मेरा आत्म वो हूँ, वो जो माल के कुल की अंश है जिसको सुरत कहते हैं। फिर मेरा प्यार किससे हो गया? उससे हो गया, अपने आप से। नो दाई देन दाई सेल्फ टू नो गॉड। ईश्वर को जानना चाहते हो, मालिक को जानना चाहते हो, वाहेगुरु को जानना चाहते हो, अल्लाह को जानना चाहते हो, खुदा को जानना चाहते हो, तो तुम मन की सीमा से आगे चले जाओगे, तुम्हारे सारे भ्रम और सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। क्योंकि कर्म भ्रम सारे किसके हैं? मन के हैं। मन से तुम आगे चले गए, बाकी क्या रह गया? महाराज परमदयाल जी महाराज की आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। मेरे सदगुरु फरमाया करते थे कि किसी आदमी ने जहाँ कोई बुरा कर्म किया, भारत में कोई अपराध किया, कोई सरकार के कानून को तोड़ा और जहाँ से भाग गया दूसरे देश में, तो दूसरा देश उसको सजा दे सकता है? दूसरा देश उसको सजा नहीं दे सकता। वो जोर लगा ले कोई कानून, उस देश का कानून उसके ऊपर चलेगा, इस देश का कानून नहीं चलेगा। ऐसे ही एक मन की दुनिया का कानून है
मन की दुनिया का कानून है जो क्या पैदा करता है, कर्म धर्म पैदा करता है। जब तुम मन की दुनिया से आगे चले गए तो फिर क्या हो गया, कुछ भी नहीं रहा, तुम अपने पिया की ओर चल पड़े। खोज री पिया को निज घट में, अपने अंदर तुम चल पड़ोगे, तुम्हें बाहर की कोई चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप करके देखो फिर बताना कि हम मानवता मंदिर में गए थे तो हमें क्या मिला, क्या मिला, मन से आजादी मिली, क्या मिला, मन की भटकना खत्म हो गई, क्या मिला, ये कर्म कांड सब सब आपके लिए भ्रम बन कर रह गए, कुछ भी नहीं था, उनसे कुछ नहीं मिला, एक तमाशा है मन को खुश करने का, बाकी और कुछ भी नहीं है। आगे चलो। मोहसीत ने चित को घेरा, सूर विवेक किया घट फेरा। फिर क्या होता है, सूरमा, सूर कहते हैं, सूरज को भी सूर कहते हैं, और विवेक हो गया अंदर, एक विवेक पैदा हो गया, एक एक चिंगारी अंदर आ गई, पता लग गया अच्छा क्या है बुरा क्या है। फिर पढ़ो यही लाइन। मोहसीत ने चित को घेरा, सूर विवेक किया घट फेरा। जब आदमी को ठंड लगती है ना, कपड़े तो बहुत पार डाल लेता है, लेकिन मन में तो रहती है ना कि ठंड बहुत है, उसको कहते हैं सूत, क्या क्या लाइन थी, मो सूत मोह ने, किसने, सर्दी की मोह ने घेरा हुआ है अभी भी। ऐसे ही जब इंसान को ज्ञान हो जाता है फिर भी दुनिया के प्रति मोह रहता है। क्या कहता हूं मैं आपको, मौके के मुताबिक, समय के मुताबिक उसमें मोह जागेगा जागेगा जागेगा, लेकिन क्योंकि उसको ज्ञान हो गया, उसको पता लग गया, फिर वो मोह से थोड़ा पीछे रहता है, फिर वो अपनी ड्यूटी करता है, उसकी फिर ड्यूटी हो जाती है, मोह नहीं होता, ही डज हिज ड्यूटी। किसके प्रति, जिनके प्रति मोह था। मोह के तीन रूप हैं, एक होता है मोह, माँ दौड़ी जाती बच्चे नू जफी पालन दिया, की हो गया बच्चा तेन चोट लगी, इनू मोह कहते हैं। और दूसरा, अगर तुहाडे बच्चे नू को मारे तो तुसी दौड़ के जाओगे, उस कहते प्यार है, वो प्यार है, बच्चे से प्यार करती है, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये प्यार है। और एक है प्रेम, प्रेम की सेज बहुत ऊंची है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिसने बाहर प्रेम नहीं किया वो अंदर नहीं प्रेम कर सकता, अपने आप से भी वो प्रेम नहीं कर सकता। तुम धार्मिक दुनिया के देखो लोगों को, उनमें प्रेम है, एक दूसरे को खाने को पढ़ते हैं, उनको कैसे हो सकता है भगवान का दर्शन, उनको कैसे मिल सकते ही शांति, उनको सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उनमें प्रेम नहीं है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रभ है तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। इसलिए ये बात को समझने की कोशिश करो जो मैं कह रहा हूँ, फिर तुम्हारे अंदर विवेक पैदा हो जाएगा और मोह की सीत रहेगी, वो रहेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अपने गृहस्थ का जीवन 55 साल गुजारा, मेरे पिताजी चले गए मैं नहीं रोया, मेरे माताजी गए मैं नहीं रोया, मेरे दो भाई भी चले गए मैं नहीं रोया, मेरी पत्नी मेरे सामने गई शरीर छोड़ा उसने, मैं नहीं रोया, किसी बच्चे को भी नहीं रोने दिया, बहुएं जरूर रोईं दाएं मार मार कर, बहू तो प्यार होता है ना। खत्म हो गई बात, 13 तारीख को संस्कार भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो दूसरे दिन जब मैं पूजा के लिए बैठने लगा, शायद पर प्रेम सुन रहा था बाहर, पता नहीं ये मेरी इर्द गिर्द होगा कहीं, तो मैंने वहाँ बैठने से पहले ये कहा, मेरे मालिक आपने वो कर दिया जो आप चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 1963 में मुझे बता दिया था कि बच्चा जे तेरी पत्नी तेरा जीवन साथ नहीं दे सकेगी, ये इशारे में मुझे कहा था, ये कहा था जे ये लड़की, ये मेरे ससुर को कहते हैं ये लड़की इस लड़के का साथ भी निभा सकेगी कि नहीं। मैं वहाँ बैठा था, मेरी वाइफ इधर बैठी थी, मेरा ससुर यहाँ बैठा था, तो मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा पिताजी मैं निभा दूंगा, आपने मेरे सिर पर हाथ रखना,
निभ गए, बहुत बढ़िया निभ गए। लेकिन नाश टाइम पर मालिक के पास ये शुक्र गुजारते हुए कि आपने जो कहा वो ठीक हो गया, तो शुक्र गुजारने का भी एक आंसू मेरे आँख में आया। शुक्र गुजारना भी आंसू देता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मुझे खुशी हुई, आनंद हुआ, मैं रोया नहीं। मेरी बात आप समझ गए? तो वो जो चीज़ थी वो मोह से अलग थी, वो मोह नहीं था, वो अलग चीज़ थी जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तुम भी देख लो करके, तुम्हें भी पता लग जाएगा, तुम्हारे अंदर कई दफ़ा खुशी के भी आंसू आ जाते हैं, क्यों? मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। क्यों शर्मा जी आते हैं ना, खुशी के भी आंसू आते हैं, गम के भी आंसू आते हैं। गम के आंसुओं का जो अगर मुंह में पड़ जाए उसका टेस्ट और होगा, जो खुशी के आंसू होते हैं अगर आपके मुंह में वो पड़ जाए तो उसका टेस्ट और होगा। करके देख लो क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। फेरा करत भक्ति गुरु जागी, सुरत भैया नाद अनुरागी। अब यहां से आगे मैं आपको जो बात कहूंगा वो अपने लेवल से कहूंगा। कहते जब ये हालत हुई तो फिर अंदर भक्ति पैदा हो गई। किसकी भक्ति? गुरु की भक्ति। यही कहा ना, पढ़ो यही लाइन। फेरा करत भक्ति गुरु जागी, सुरत भैया अनहद अनुरागी। फिर सुरत किधर गई? अनहद शब्द की अंदर गई, जो मेरे अंदर है, आपके भी अंदर, सबके अंदर वो शब्द है। वो शब्द क्या है ये कोई नहीं बता सकता, वो हो रहा है। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, समझ लेना आपने। तुम कुएं में आवाज दो, कुएं तो खत्म हो गए, अब तो नहीं है। खूह है कितने? खूह नहीं है। खूह में हम आवाज देते थे तो अंदर से आवाज खूह के जाती थी। मैं पहाड़ों में रहा हूं, शाम के समय पहाड़ में आप आवाज दो, पहाड़ तुम्हें आवाज का जवाब देंगे। बात समझ गए? ये जो हमारा सिर है, सिर ये कुदरत का खजाना है, ये जिंदगी का खजाना है, यही सब कुछ है। नीचे दुनिया है, यहां मन है और जहां ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है, इसमें सब कुछ है। जिस नाम का तुम सिमरन करते 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 के करते 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 सिमरन फिर क्या हो जाता है? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाने शब्द में ताको काल न खाए। क्या पकड़ा तुमने? कुछ नहीं पकड़ा। अभी फिर कह देता हूं, तुम जिस नाम को याद करते करते चलते हो, उस मालिक का कोई नाम नहीं है, उस मालिक का कोई रूप नहीं है। तुम जिस रूप से उसको पुकारोगे, जिस रूप से तुम उसका सिमरन कर, जिस नाम से तुम उसका सिमरन करते आ रहे हो और अंत समय तक उसी सिमरन में तुम जज्ब रहते हो, अंत समय में तक आपके अंदर में केवल प्रकाश और शब्द ही गूंज रहा है, तो वो शब्द कौन सा होगा? वो ही शब्द होगा जिससे तुमने उसको पुकारा, क्योंकि तुम भी उसी का रूप हो। कोई बात क्लियर हुई कि नहीं? क्या कहा मैंने? इससे ज्यादा मैं और कैसे कहूं? तुम वही हो, लेकिन तुम भ्रम में पड़े हुए हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कहां से आया हूं। तुम्हारे मन ने तुम्हारी पांचों ज्ञान इंद्रियों को अपने कब्जे में किया हुआ है। तुम देखते हो तो मन के इशारे से देखते हो, तुम सुनते हो तो मन के कहने पर सुनते हो, तुम खाते पीते हो तो जो मन ने चाहा वो ही खाते हो, जब मिल जाए, जहां मिल जाए, जैसा मर्जी मिल जाए। कहा कहा मैंने? तो मन से कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो? तुम बुद्धि का तो प्रयोग नहीं करते कि ये मेरे लिए चीज है कि नहीं है। तुम अपने हाथों का प्रयोग भी
ज्ञान से नहीं करते हो, वहां भी अज्ञान से जो कम काट रहे हो, तो इस बात को दाता स्वामी जी महाराज खोल के कह रहे हैं, अब भक्ति गुरु जाग गई है। अब सवाल पैदा हो गया कि क्या भक्ति गुरु की मूर्ति रखकर पूजा की जाए? बात को ध्यान से सुनना, गुरु की भक्ति क्या गुरु को कपड़े देने से होगी, क्या गुरु को धन देने से होगी, या गुरु को माला पहनाने से होगी? नहीं, ये तुम्हारा व्यवहार है, ये तुम्हारा प्यार है, ये तुम्हारा उस सतपुरुष के प्रति सत्कार है। अब मुझे अगर पूछो, मुझे पूछ लो तुम, मैंने क्या किया? मैं तो खाली हाथ आता था, कभी महाराज जी के आगे 10 रुपए भी नहीं रखे। हाँ, कभी कभी मैं बिलासपुर में जब था तो वहां पपीता बहुत मीठा लगता था, वो मैं ले आता था, वहां हजूर का सिंहासन लगा होता था तो मैंने रखना। फिर महाराज जी कहना, ओ गोपाल और प्रोफेसर पपीता लाया है, लिया खाएं, तो वो काट कर देता था, वो चमचे से खा लेते थे। मेरा यही सेवा रही है और कुछ नहीं। दूसरी सेवा मैं क्या करता था कि यहाँ कोई भी महाराज जी के नाखून नहीं देखता था, और मेरी नज़र तो उनके चरणों पर होती थी, और उनके हाथ भी मैं देख लेता था, क्योंकि मुझे, मैं उनके दबाया करता था, हाथ पांव दबाया करता था। तो मैं हमेशा जब आना तो नया नेल कटर लेकर आना, फिर मैं उनके नाखून काट कर रखता था, काट लेता था। राम से मेरी बात समझ, हम दोनों होते थे ना, जहाँ कोई नहीं चले जाते थे सब लोग, हम दोनों ही रहते थे, है ना, आशिक और मशूक, दूसरा नहीं होता था कोई। और मैंने कुछ नहीं किया, कोई कपड़ा भेंट नहीं किया, किसको भेंट किया? अब पूछो मुझे, मैंने किसको भेंट किया? मास्टर मोहनलाल के घर में 1956 में पहले ही दिन जब मैं उनके चरणों में आया, मैंने उसी वक्त अपने आप को उनको भेंट कर दिया था, सुपुर्द कर दिया अपने आप को। और मैं कहा करता हूं आप लोगों को कि मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। शर्मा जी, मैं कुछ नहीं, मैंने कहीं अपने हाथों से अप्लाई नहीं किया नौकरी के लिए, और मैं क्या कहूं तुमको, अपने हाथों से लोग अप्लाई करते हैं ना, मैंने अपने हाथों से एप्लीकेशन नहीं लिखी। और आया सरदार, एक मेरे दोस्त था, रिसर्च स्कॉलर था, वो आया सुबह सुबह दफ्तर 10 बजे पहुंचा, मैं भी, कमल कमल, मैं क्या हुआ पंजाब सिंह? कहते आज अखबार में वो निकली है, प्रोफेसरों की 5 पोस्टें निकली हैं, वो तू अप्लाई कर, तू जरूर सेलेक्ट हो जाना, कॉन्फिडेंस उस आदमी का। मैं कह पंजाब सिंह अच्छा, उसने दूसरी बात नहीं की, दूसरे दिन एप्लीकेशन फार्म ले आया, आप ही एप्लीकेशन फार्म ले आया। और जब दोपहर हुआ, लंच हुआ, कहता लिखिए, वो लिखता गया, लिख दिया, मैंने दस्तखत कर दिए। और हैरानी ये है कि फीस भी उसने जमा करवाई और एप्लीकेशन भी मेरी आप ही ऊपर डिस्क्रिप्शन पटियाले दे के आया, मेरे को केवल इंटरव्यू आई। 18 नवंबर, शर्मा जी कितनी बात है, 18 नवंबर 1995 मेरे हाथ में, मेरे बाबा जी के जन्मदिन पर वो आ गई, मेरी रजिस्ट्री आ गई, मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। अब बताओ तो किसमें सुख मिला मुझे, किसमें सुख मिला? अपना आपा छोड़कर सुख मिल गया। ये और बात है कि मैं अभी पूर्ण आपाप समर्पित नहीं कर पाया, समय समय पर करता हूँ, समय समय पर वो हालत होती है, लेकिन कभी कभी मैं भी मन में आ जाता हूँ, क्या कहा मैंने आपको, ये पीछा नहीं छोड़ता। फिर क्यों मदद करता है? सिमरन मदद करता है, और कोई चीज़ मदद करने वाली नहीं है। जा दाता की कोई बाणी पढ़ ली, जब मजे से उसको गा लिया तो आनंद आ जाता है, क्या कहा। गुरु की सेवा तुम अब कर रहे हो, असली भक्ति ये है, ये बात कहना लगा हूं। अब इस समय अगर आप बैठे हुए हो और मेरी बात को पूर्ण ध्यान से सुन रहे हो,
तुम्हारा तन भी ठहरा हुआ है, तुम्हारा मन भी ठहरा हुआ है, तो तुम भक्ति कर रहे हो। भक्ति में तन और मन ही तो आदमी भूलता है और क्या करता है, अपने घर में बैठ कर क्या करते आदमी, तन को भूलता है मन को भूलता है। यहाँ भी तो तुम जाकर ध्यान से सत्संग सुन रहे हो, हर बात को पकड़ रहे हो, हिल नहीं रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तुम्हारा ख्याल सिर्फ मेरी तरफ है, तुम्हारी भक्ति हो रही है। इसलिए संतों मेरे दादा कहा करते थे, दर्शन करे भक्ति, गुरु की भक्ति, दर्शन करे वचन पुन सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड ले तिस सार, कड सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव भय सब गए गुआए। तुम अगर सत्संग की बात को ऐसे पी जाओ, और गुरबानी क्या कहती है, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होवे सबसे आधार। गुरबाणी को सुना, सुनकर उस पर चले नहीं, उस पर अमल नहीं किया तो शरीर पर कोई असर नहीं होगा। 10 मिनट के लिए मन को शांति मिलेगी, बाकी कुछ नहीं। उसके ऊपर चलना है, घट में है सूजत नहीं, घट में है। वो कैसे है आप में, वो है कैसे ये भी बता दिया। कैसे है, जैसे पुप मध्य जो बास बसत है मुकुर माहे जो शाही, जैसे फूल में खुशबू है वो तुम्हारे इस चोले में ऐसे है। वो ऐसे है जैसे शीशे में तुम्हारा रूप अपना, तुम ही हो हर जगह। पुप मध्य जो बास बसत है मुकुर माहे जो शाही, हरि असे सदा निरंतर घट ही खोजो भाई, ये लिखा है, घट ही खोजो भाई। वो तुम्हारे अंदर रहता है, उसकी खोज करो, कहाँ भटक रहे हो तुम, जरा उसके होकर तो देखो, देखो उसके होकर, फिर पता लगेगा कि हाँ वो हस्ती है। एक लाइन और आगे पढ़ो। राग भोग सब दूर निकारा, बिमल दिया बैराग समारा। अब वो कहते हैं फिर क्या होता है, राग भोग सब खत्म हो जाते, किसी से तुम्हारी अटैचमेंट नहीं रहती। अब मैं आपको एक बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, दाता दयाल के शब्द निकालो, ये आगे का बड़ा गंभीर है, वो शायद आप मेरी बात को पकड़ नहीं सकोगे। सत्संग करो फिर धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब आपके लिए आसान तरीका बता देता हूँ, बहुत ही आसान, उस पर चल के देखो तुम्हें क्या मिलता है। दाता दयाल कहते हैं, दाता दयाल ने भी बहुत कुछ लिखा है, वो कहते हैं जिसने बंधन में फंसाया आकर छुड़ाएगा वे ही। इतना विश्वास कर लो कि मेरा वो है। विश्वासम फलदायकम, सनातन धर्म में गुरु की बहुत महिमा है, संत मत में गुरु मत की बहुत महिमा है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम मूर्तियों के ऊपर लड़ रहे हैं, हम धार्मिक स्थानों के ऊपर लड़ रहे हैं। कोई कहता मेरा ये मेरा आश्रम है, कोई कहता ये मेरा आश्रम है, कोई कहता मेरे आश्रम पर इतना खर्च हो रहा है, इतने और करने, कमरे तैयार करने, ये करना वो करना, ये पहले भाग में होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ निकालो जी, मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ, इतना विश्वास कर लो कि तुम्हारा कोई है दुनिया में, बाकी सब कोई होते हुए भी वो आपके सबसे ज्यादा प्यारा है। दुनिया तुम्हारे लिए प्यार करती है, मतलब के लिए प्यार करती है, मतलब पूरा हो गया तो तू कौन और मैं कौन, भाई भाई को नहीं पहचानता, बेटा बाप को नहीं पहचानता, कलयुग में इतना ज्यादा जोर आ गया है। और जो माँ ने जिस बच्चे को पैदा किया होता है और बच्चे उसी माँ को वृद्धाश्रम में जाकर छोड़ आते हैं, वहाँ जाओ वहाँ शर्मा जी हैं, वो आपकी सेवा करेंगे, हम नहीं आपकी सेवा कर सकते, ये कलयुग है। तो कलयुग में तो किसी पर निर्भर मत हो जाओ, जिस पर भी निर्भर होगे वो आज नहीं तो कल आपको लाल आँख दिखा देगा, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की,
तुमने मुझे क्या दिया, मैंने ऐसा सुना है। बच्चे कहते हैं माँ बाप को, माँ बाप कहते हैं बच्चा हमने तुम्हें इतना बड़ा पाल पोष के किया है, तो वो कहेगा तुमने मेरे पर एहसान किया तुमने मेरे ऊपर एहसान किया, तुम्हारी ड्यूटी थी मेरी पर भाषण करनी, ये सुना है मैंने अपने कानों से। लेकिन ये जो शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ, ये आपको एक जगह पहुँचा देगा जहाँ तुम्हें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कैसे बोलो, जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। अब दाता दयाल जी यहाँ एक ग्रंथी देते हैं, मेरे दादा गुरु महाराज महर्षि शिव रतलाल जी महाराज कहते, तुम किस बात की चिंता करते हो, किस बात के लिए हाय हाय करते हो, किस लिए दुनिया के पीछे भागे हुए हो, जे हो जाए जे हो जाए, जे नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया, ये करते क्यों करते हो ऐसा। कहते जिसने भी तुम्हें इस बंधन में डाला है, जब तुम उसके हो जाओगे वो तुम्हें आकर खुद ही निकालेगा। क्या कहा दाता दयाल जी महाराज, कैसे निकालेगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी, सवाल का जवाब पूरा दूंगा क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाया भी है, बड़े बड़े सवालों के जवाब हल किए बाबा फकीर ने, सारे सवालों के हल कर दिए। कैसे पढ़ो फिर यही लाइन, जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही। जब भी कोई तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे घर में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो स्थिर हो जाए करो कि ये समय ज्यादा देर नहीं रहेगा। एक राजा था, कोई साधु आया उसके पास, बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसने राजा ने बड़ी उसकी सेवा की, बहुत सेवा की, तो एक दिन वो साधु कहते अच्छा राजन आपने बहुत सेवा की है, आपका धन्यवाद मैं कैसे करूं, मैं आपको एक चीज़ देता हूं लेकिन इसको तब तक ना देखना जब तक तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट ना आ जाए, तब इसको देखना। तो लिख दिया उस पर, कुछ लिख दिया, लिख कर कहा बांध दिया, ये तुमने खोलना नहीं, तब खोलना जब तुम्हारे सारे सहारे खत्म हो जाए। और साधु चले गए। उसके बाद युद्ध हुआ, बड़े युद्ध होते थे राजाओं के आपस में, बड़े युद्ध होते थे, तो वो राजा हार गया, उसको भागना पड़ा, तो जंगल में जाकर उसको सहारा लेना पड़ा, रोटी रोटी के लिए वो तंग हो गया कि कहाँ से रोटी खाऊं, इतना मेरा राज था, सब ले गए, वो लूट कर ले गए सब, इतिहास पढ़ो भारत का आपको पता लग जाएगा, बहुत लूट मार हुई है मेरे देश में। तो तब उसको याद आया कि वो महापुरुष ने मुझे कुछ लिख के दिया था, उन्होंने कहा अपनी जेब में रखना हमेशा, इसको लग नहीं उन्हें देना, तो वो निकाला, निकाल कर खोल कर देखा, उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था राजन अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्या कहा, अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। हौसला हो गया, इकट्ठी की सेना, जंगल से पकड़ा लोगों को, आओ भाई मेरा ये हो गया वो हो गया, दोबारा अपना राज उसने प्राप्त कर लिया। क्या कहा मैंने, जो आज है वो कल को नहीं रहेगा, जो परसों था वो आज नहीं है, समय बदलता है मगर ये विश्वास रखो कि जो आज है वो कल तक नहीं रहेगा। जब ये विश्वास हो जाए कि जो होना है होके रहेगा, कौन सा होना है, जो हमने किया हुआ है, उसमें भगवान को कैसे दोष देना, हाय भगवान तू मेरे नाल क्या कर दिया क्या कर दिया क्या कर दिया, वो कोई दखल नहीं देता। उसने एक कानून बना दिया, एक कानून बना दिया कुदरत ने, इस हाथ दे और इस हाथ ले, कर्म जो जो करेगा अंत में भोगना पड़ना। अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो फिर घबराना किस बात का, किसको दोष दोगे, किसको शिकायत करोगे, तुमने किया तुमने ही भोगना है। क्या कहा मैंने,
तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। अगर इधर दौड़े फिरोगे कहीं वहाँ चलो शायद मेरा दुख दूर हो जाए, वहाँ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, एक मन को तसल्ली है और कुछ नहीं, आगे चलो। जिसने बंधन में फंसाया है छुड़ाएगा वही, जाल माया मोह के आकर कटाएगा वही। वो कहते हैं तुम्हें सब माया के जाल ने घेरा हुआ है। माया जाल क्या है? हमारे मन की वासना, हमारे मन के ख्याल, हमारे मन का अपना पराया, अपने मन की जो भी चाहते हैं, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये ज़मीन मेरी है, ये उसकी नहीं है, ये है ना माया, और क्या है, यही माया है। तो वो कहते हैं कि तुम मत घबराओ, वो आकर तुम्हारे इन सभी माया के जाल को ख़त्म कर देगा। कब? जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा धीरे धीरे कि मेरा किया कुछ नहीं हुआ, जो करे वही करता है, वही करने वाला है। जब ये विश्वास हो जाए तो मन से तुम ऊपर जाने की कोशिश करोगे। ये ला है कुदरत का। तुम हम बुजुर्गों को सुना करते थे, मेरे दादा, मैंने आपको बताया, बहुत बहुत ज्ञानी थे वो। वो कहते बेटा तुम गुरु की तरफ एक कदम उठाओ, गुरु तुम्हारी तरफ 10 कदम आता है। ये कहते मैंने कहना भाई बापूजी ये बात कहते हैं कि गुरु 10 कदम आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो भी तो आदमी हुआ जो मेरी तरफ आएगा। अब पता चला नहीं, गुरु अंदर ही है, तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, आजा बच्चा मेरी गोद में आजा, तेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। ये इसीलिए तो कहा है जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। क्या कहा? यही कहा, जब तुम्हें चिंता सतावे तब तो क्या हो, गुरु का तुमको ध्यान हो, गुरु तुम्हारी चिंता को खत्म कर देगा और तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है, वो सारा जाल जो तुम बैठे हुए हो अफसोस कर रहे हो, चिंता में बैठे हो, जब ये बात याद आएगी वो जाल कट जाएगा। क्या कहा मैंने? तुम्हारी चिंता उसी वक्त खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता लग जाएगा कि गुरु मेरे सिर पर है। आप समझ गए ना मेरी बात को? आगे चलो। गर्भ में माता के जो रक्षक बना था रे घड़ी। दाता दयाल जी महाराज बड़ी ऊंची बात कह दी, जब तू अपनी माता के गर्भ में था वो तेरी रक्षा वहां कर रहा था रे, तू अब क्यों चिंता करता है? फिर पढ़ यही लाइन, बहुत ऊंची लाइन है। गर्भ में माता के जो रक्षक रहा था हरे घड़ी। जो माता के गर्भ में हर समय तेरी रक्षा कर रहा है कि तुम्हें चोट ना लगे, तुम्हें पानी की थैली में रखा हुआ है, पानी की थैली में चोट नहीं लगती, पानी की थैली में कोई चीज रख दो उसको चोट नहीं लगेगी, हमें पानी की थैली में रखा उसने और फिर सब कुछ दिया। आहा, किस किस शब्द से मैं उस मालिक की सिफ्त करूं, कोई शब्द है ही नहीं, सिर्फ एक चीज है, सिर झुक जाता है उसके श्री चरणों में कि तू महान है बलहारी, कुदरत बसया तेरा अंत न जाए लख्या। उसका अंत किसने डालना है? तुम भूल जाते हो, इसलिए कबीर साहब ने कहा गर्भवास में खबर लेते हैं बाहर क्यों बिसरे, उनका शब्द है एक, तुम्हारा गर्भवास में उसने तुम्हारी खबर ली है तो तुम बाहर क्यों उसको भूल गए, तुम बाहर क्यों भटकते फिरते हो कि वहां जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा, उसकी पूजा करूंगा तो काम हो जाएगा। तुम भटक गए हो, तुम माया के जाल में फंस गए हो, इसलिए वो माया के जाल को काटने के लिए किसके रूप में आता है? गुरु के रूप में आता है। आगे चलो। जागता जीता पुरुष अब भी बचाएगा वही। कहते तब तो तू गर्भ में था तेरी रक्षा की, अब तो तू जागता है। पन्ना क्या कहते हैं? जागता जीता पुरुष अब भी बचाएगा। अब तू जागता जीता है, चलता फिरता है, खाता है,
पांच ज्ञान इंद्रियां काम कर रही हैं, पांच कर्म इंद्रियां काम कर रही हैं, मन तेरे साथ है, बुद्धि तेरे साथ है, अकल तेरे साथ है, सब कुछ तेरे साथ है, तो क्या तुम्हें विश्वास नहीं आता कि वो ही मेरी रक्षा करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा? करके देखो। विश्वासम फलदायकम। परमदयाल जी महाराज ने बार बार ये बात को दोहराया, ए इंसान, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई संत तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, तुम्हारे अपने विश्वास ने तुम्हें देना है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा ने देना है, तुम्हारे अपनी लगन ने देना है, तुम्हारे अपने इश्क ने तुम्हें देना है। और वो कहाँ रखना, तुमने किस पर आपका होना चाहिए विश्वास, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस पर विश्वास करो। मैंने वो कहा करते थे, मैं नहीं कहते कि तुम बाबे फकीर को मानो, ना जिसको मर्जी चाहे मानो, लेकिन सच्चे दिल से मानो। और ये विश्वास कर लो कि जिसने मेरा वहां मदद की, मेरी वहां देखभाल की, तो अब मुझे भूखा मरने देगा? कभी नहीं। मुझे बात एक याद आ गई, कबीर साहब के साथ बहुत शत्रुता की लोगों ने, उस समय के ब्राह्मणों ने खास तौर पर, तो उन्होंने सोचा ये जादूगर है, ये कबीर जो है ना, ऐसे संत रविदास को भी कहा, पलटू को भी कहा, नाम तो किसी ने भी संतों की कदर नहीं की, गुरु नानक साहब को कुराहा कह दिया कि ये कुराहा है, इसको नहीं पता क्या कर रहा है, किसी को नहीं छोड़ा, ये दुनिया है ना। तो उन्होंने कहा चलो आज इसकी अपमान करवाते हैं, कबीर का आज हमने जुलूस निकाल देना। कैसे जुलूस निकालें भाई? ऐसा करते हैं, सब ऋषियों को, जितने भी बाहर संत हैं, उनको एक न्योता दे देते हैं कि कल या पाँच तारीख को या 10 तारीख को कबीर साहब संतों को सबको भोजन करवा रहे हैं, गरीबों को भोजन करवा रहे हैं। तो नियुक्ता दे दिया सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग आएंगे, कबीर के पास कुछ भी नहीं होगा तो वे इसको फिर बदनामी करेंगे ना कि ये ऐसे संत बना फिरता है, हमें बुला लिया और खाने को हमें एक रोटी भी नहीं दी। तो ये बात सारे जगह पर लोगों को, बड़े बड़े जो अपने आप को धार्मिक कहलाते थे, उनको ये सूचना दे दी। और कबीर साहब को पता चला कि आज तो मेरे घर में सुना है लोगों ने खाना खाने आना, महापुरुषों ने, गरीबों ने, तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है। तो वो जाकर झाड़ियों में छुप गए, कबीर साहब भजन करने लग गए कि अब तू ही है मेरा मालिक, मेरी बात समझ रहे। कहते हैं, लिखा है किताब में कि पता नहीं कहाँ से बैलगाड़ियाँ बने हुए भोजन से लदी हुई आ गई और सबको भोजन करवाया, और कबीर साहब यही मस्त बैठे हैं जंगल में, वहां नहीं है। तो जब वो जा रहे हैं वापस जा रहे हैं तो बातें करते हैं, वाह भाई वाह, कबीर साहब ने कितना बढ़िया भोजन बनाया। तो वो कबीर साहब सोचने लगे ये क्या कहते हैं, कहते हैं ये बदनामी कर रहे हैं कि क्या बढ़िया भोजन बनाया, खाने को कुछ भी नहीं दिया। कई दफ़े ये भी होता है ना, खाया हुआ है तो भी कह देते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो ऐसा जब कबीर साहब ने सुना तो कहते वो आया, तो माता लोई ने बताया, महाराज आप कहाँ चले गए थे, आप इंतज़ाम करने चले गए थे, इतना सामान कहाँ से भेज दिया आपने, सब लोग खा के गए हैं, वह देखो अभी भी भोजन पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ गए? ये सत्य बात है, झूठ नहीं हो सकता। संता के कार्य आप खुलोया, ऐसा कहा गया है, संता के कार्य आप खुलोया। संत कौन है? जो वहां रहता है वो संत है, जिसने कपड़े पहन लिए या दाढ़ा रख लिया लंबा तो वो संत नहीं हो सकता। संत तो एक जूते बनाने वाला भी हो सकता है, एक जुलाहा भी संत हो सकता है, एक कपड़े सीने वाला भी संत हो सकता है, एक जिम्मेदार भी संत हो सकता है, जो हक हलाल की कमाई करके खाता वो संत हो सकता है। क्या कहा मैंने?
इसलिए दाता दयाल जी महाराज का ये शब्द मैं आपको सुना रहा हूँ ताकि तुम्हारा मन ठहर जाए, तुम्हें विश्वास हो जाए कि तुम थामियां दा थाओ, न्योटियां दी ओट, न्यासरां दा आसरा, ऐसा अरदास में कहा जाता है ना, निमाने दा मान, वो है वो क्यों नहीं है, है करके देख लो, मेरी बात समझे आप, आगे पढ़ो। सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ है? अरे किस बात की तू चिंता करता है, मेरी लड़की की शादी नहीं हुई, मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिली हुई, मेरी जमीन चली गई, मेरे साथ वो दुश्मनी करता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उस मालिक को अपने अपने अंदर में ले आओ, बस नथ खसम हथ, मेरे दादा कहा करते थे, यहाँ एक बात दूसरी बात कहते थे, दाता तेरी मौज, मैं कहता हूँ बाबा फकीर तेरी मौज, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, ये तेरी मौज से हो रहा है, तेरी कृपा से हो रहा है, ये तेरी संगत है, आपने इनकी देखभाल करनी है, आपने इनके दुख दूर करने हैं, आपने इनकी चिंता की दूर करना है, आपने इनकी मनोकामना पूरी करनी है, मैं तो आपकी वाणी इन तक पहुंचा रहा हूं ताकि इनका जीवन सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, खुशी से जीवन गुजारे, घरों को अपने घरों को एक स्वर्ग बना ले, बस ये मेरी इच्छा जरूर है, आगे पढ़िए। सोच क्यों करता है और इस सोच से क्या लाभ है? तेरी करनी लाभ का कारण बनाएगा, वो तेरा काम आप करेगा। आहा वाह, बिल्कुल अटल बात है ये, जब तुम उसके हो जाओगे तुम्हारा काम भी वो ही करेगा, तुम्हारा काम करने के लिए कोई ना कोई जरूर पहुंच जाएगा। अब मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूं, तुम कहीं ये ना कहना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज 1970 में मेरे पास धर्मशाला आए, 4 दिन रहे, बहुत आनंद लिया, बहुत मैं क्या कहूँ क्या क्या दिया उन्होंने मुझे। 4 दिन के बाद महाराज जी प्रागपुर आ जाए, बोर नहीं होना मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब महाराज जी की गाड़ी चल दी तो 2 प्रोफेसर मेरे घर आए कॉलेज से, तो मैंने उनको कहा प्रोफेसर साहब आप लेट हो गए, मेरे गुरु महाराज तो चले गए, मैंने सोचा दर्शन करने के लिए आए हैं, होता ही है ना। तो वो कहते कमल जी आपकी ट्रांसफर हो गई। मैं कहाँ? कहते रामपुर बुशहर। रामपुर बुशहर शिमला से 80 किलोमीटर आगे है, सिंगल रोड, ये 1970 की बात है। तो जब वो ये कहकर चले गए, मैं कहा वो कहाँ है रामपुर बुशहर कहाँ है, क्योंकि मैं तो पंजाब से पहली दफ़ा धर्मशाला गया। तो कहते वो 80 किलोमीटर आगे है, शिमला से भी आगे। मैं थोड़ी देर सोच में गया कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी दूर कैसे लेके जाऊंगा। तो मैं आज यहाँ से महाराज जी उठ के गए थे जिस सिंहासन से, वहाँ बैठ गया और सोच में पड़ गया। मेरी वाइफ आई, कहते क्या बात हो गई? मैं क्या ट्रांसफ़र हो गई, कहाँ की हो गई? रामपुर बुशहर आपने देखा? मैं क्या नहीं मैंने देखा। तो तुसी चिंता कानू कर दे, मेरी पत्नी, पत्नी एक बहुत बड़ा सहारा होता है, सुन लो मेरी बात को, पत्नी का बहुत बड़ा सहारा होता है, उसकी कदर करना सीखो। तो तुसी कुछ चिंता कर दे, बाबा जी महाराज होने गए हैं, जाओ जितना हुक्म देंगे वो कर लेना। वाह रे वाह, मैं क्या कमाल कर दी तू। मैं उठ्या, जेब च पैसे पाए, बाहर आ गया, बस आई और मैं बह गया पीछे। अब महाराज जी की बस तो प्रागपुर से होकर जानी थी, उन्होंने प्रागपुर उतरना था, मुझे नहरियाँ दूर पड़ता था उस जगह से 2 किलोमीटर, मुझे वहाँ से उतर कर जाना था पैदल। आप पहुँच गए, बाबा जी हले बैठे ही हैं, अभी हुक्का रखा ही पीने लगे, तो मैंने जाकर अपने सिर उनके चरणों में रख दिया। महाराज कहते बेटा तेरे पास से तो अभी आया हूँ मैं, क्या बात हुई? मैं कहा पिताजी मेरी ट्रांसफ़र हो गई।
कहाँ की? मैं कह जी रामपुर भी शहर। बेटा वो रामपुर भी शहर कहाँ है? मैं कह पिताजी कहते हैं शिमला से 80 किलोमीटर और आगे। अच्छा, एक घूट लिया महाराज जी ने हुक्के का, बता क्या कहते हैं मुझे? एक घूट लेने के बाद बहुत अच्छा हुआ, एक जगह पानी गंदा हो जाता है, जाओ बच्चा। इतने में चाय आ गई, चाय पी मैंने। यहाँ डॉक्टर कपूर होते थे, सूद साहब, उनके घर में ठहरते थे महाराज जाकर, मेघनाथ उनके। तो मैंने मत्था टेका, जाओ बच्चा चिंता नहीं करनी, जाओ। मैं घर गया तो वाइफ से बात की, कहते क्या कहते महाराज जी? कहते जाओ। मैं कब कहते बढ़िया बात है तो चले जाना, फिर खा दी चिंता। मैं गया शाम को, दूसरे दिन ट्रक किया, कोई रिलीव नहीं हुआ कॉलेज से। अशोक कुमार मैं क्या बताऊं, फिर लीव तो होला तब जा। वो नहीं, गुरु का हुक्म है, जा बच्चा। ट्रक लिया और वो अपना समान रखा, बच्चों को कहा तुम इतने रहो, वाइफ को समान छोड़ दिया थोड़ा सा, वापस आऊँगा तो रिलीव होकर सर्टिफिकेट लेकर फिर जाएंगे। रामपुर पहुंच गया रात, रास्ते में काटी, लंबा है ना रास्ता, तो रात रास्ते में एक जगह काटी जिसका नाम है नारकंडा। नारकंडा में रात रहे और सुबह वहाँ पहुँच गया 2 बजे। कॉलेज गया, प्रिंसिपल को मिला, मैं कहा सर मेरी ट्रांसफ़र आपके कॉलेज हो गई है, मेरा सामान रख लो, मेरा सामान कहीं रख लो। कहते आप अपनी ट्रांसफ़र ऑर्डर दिखाओ। मैं कहा जी मैं तो आ गया, मैं ऑर्डर हो गया, आ गया मैं तो, मैं की करने ऑर्डर, मैं आ गया, जब आ जाएंगे तो दिखा दूंगा। तो मैं सामान आपका कहाँ रखूँ, आपको कैसे रख लूँ तुम्हारा सामान, हमें क्या पता तुम्हारी ट्रांसफ़र हुई कि नहीं हुई। मैं कह सर टेक इट फॉर ग्रांटेड, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, मैं कभी रुकवाता नहीं हूँ, मैं आना है, मैं सामान ले आया हूँ, बच्चों को बाद में लेके आऊँगा। वो प्रिंसिपल बड़ा अक्खड़ था, चलो वो बाबू आया दफ्तर से निकल कर, आप मेरी बातें सुन रहा था। कहते सर कोई बात नहीं, सामान आप मेरे कमरे में रखो, मेरे 2 कमरे हैं, 2 कमरों में सामान रखो, जब आना अपने आ जाना। लो बात बन गई, ट्रक लाए, सामान रखा वहाँ और वापस आ गया। आकर लीव हुआ, प्रिंसिपल कहता तुम, वो मद्रासी था, अरे तुम क्यों जाती, क्यों नहीं कोशिश करती? सर मैंने कहा मैंने कोई कोशिश नहीं करनी, मुझे हुक्म हो गया मैं जाना। चलो मैं सामान लिया वापस, बच्चों को लिया, पहले सुंदर नगर एक रात काटी, मेरी वाइफ का ब्रदर था वहाँ, एक रात शिमला काटी, फिर तीसरे दिन जाकर हम वहाँ पहुँच गए। अब अगली बात ध्यान से सुनना, हुक्म की तामील की, हुक्म को माना, गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु को कहे सो हित कर मान। ये बात मेरे दिमाग में बैठी हुई है। जब लगभग 9:30 महीने हो गए और वहाँ का खाना पीना और तरह का, कोई सत्संग नहीं शर्मा जी, मूर्तियों की पूजा होती है, जानवरों को काटा जाता है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया वहाँ कि मैं कहाँ फंस गया, सत्संग कोई नहीं। सिर्फ मेरे पास एक किताब आती थी मनुष्य बनो, जो अलीगढ़ से छपती थी, वो मेरा साथ था। टेलीफोन थे नहीं, चिट्ठी लिख देता था सदगुरु महाराज जी को। जब 10 महीने हो गए, एक दिन मेरा मन बहुत बहुत उचाट हो गया सत्संग के लिए, तो मैं कविता में एक लेटर लिखा मैं अपने सदगुरु को, कविता में कि दया करो मुझे अपने पास बुला लो, सत्संग के बगैर मैं जी नहीं सकता, आपके दर्शन को बहुत मन लोचता है। ये चिट्ठी मैंने सदगुरु को लिख दी। 6ठे दिन पोस्ट कार्ड आया, 3 दिन जाने को लगे, 3 दिन आने को लगे। कॉलेज में 2 बजे मिला मुझे पोस्ट कार्ड, तो उस पर लिखा हुआ बेटा चिंता क्यों करता है, 1 साल के अंदर अंदर तेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओह, डांस करने लग गया मैं, खुशी से नाचने लग गया, मेरे दाता का हुक्म आ गया, अब मैं चले जाऊँगा। घर आया, वाइफ को बुलाया, मैं क्या बाबा जी का हुक्म आ गया, अब हमारी ट्रांसफ़र हो जानी है और छुट्टियाँ हो जानी है, हम तो आप छुट्टियाँ चल जाना जहाँ से।
तो समान बांधो। लो समान बांध दिया सारा, बिस्तर इकट्ठे कर दिते और ट्रंक बंद कर दिते, सब कुछ बंद कर दिता। तो एक प्रोफेसर आया, कमल जी क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं शर्मा जी ट्रांसफर हो जानी मेरी, मैं चले जाना। ले क्या घोड़ियाँ गल कर दे हो? वो अग्रवाल नू 20 साल हो गए, इतों नहीं कोई जाता, 15 साल ठहरोगे यही? मैं कह तो 15 दिन भी नहीं ठहरना, देखो सही क्या बनता है। बच्चों को लिया साथ, शिमला पहुंचे, शिमला से कार पकड़ी तो आगे क्या नाम है कालका, कहाँ से गाड़ी पकड़ी, फुगवाड़ा फुगवाड़ा से घर आ गए। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। तो घर का थोड़ा सा काम था, मिस्त्री को बुलाया तो मैं मकान के ऊपर काम करवा रहा हूँ। अब देखना कि क्या होता है। एक आदमी आया मेरे गांव का, मेरे से प्यार करता था और मुझे कहा करते थे पाड़ू, पाड़ू जानते ना पढ़ने वाला, और पाड़ू कहाँ कितने होना तू आजकल? मैं कह बाबा जी मैं तो बहुत दूर हूँ उधर हिमाचल में। वो तेन उधर किन भेज दिता थले आ नीचे आ बता आकर, तेरी उत्थे किन कीती ट्रांसफर? मैं कह जी हिमाचल की सरकार ने। वो कौन है हिमाचल की सरकार? वो पंजाब की नहीं उत्थे सरकार? मैं कह नहीं जी। अच्छा तू सवेरे तैयार हो जाना 6 बजे, अगस्त का महीना तू मेरे नाल चलना। मैंने तो उसको बुलाया नहीं, मैंने नहीं कहा कि मेरी ट्रांसफर हो गई है। उसने अगर पूछा, सवेरे आया 6 बजे बस, मैंने अपने साइकिल से बिठा के एक गांव है चब्बे आल हुशियारपुर के, उत्थे लै गया एक नेता के पास। वो नेता भी मुझे जब मैं एमए में पढ़ता था जानता था, उसका नाम था राम रतन। कहते चौधरी एक अक्कन जानता, कहते लै कमाल है इन्हों तो मैं एक अक्कन चंगी तरह जानता, ये पढ़ते होंगे सी तो उत्थे कभी कभी मिलते होंगे सी, नाल लै शिमले जा और ट्रांसफर करा के लिया। ये ऑर्डर उसको दिया, उसने बेचारे ने कपड़े पाए अपने थैला जहा चक्या तो नाल ही बस स्टैंड बैठे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बैठे शिमला। देखते जाओ वहाँ गए सेक्रेटेरिएट में, पता लगा जी के ईएम साहब एजुकेशन मिनिस्टर तो 2 दिन के लिए बाहर हैं। तो कहता अच्छा रुकना पड़ेगा। नहीं काका रुकना नहीं, असी एमी कहूँ इतने रुकना, पैसे खर्चने होटलों धक्के खावे, चल बस ली वापस चलेंगे, आ जाएंगे 2 दिन बाद। असी वापस आए हुशियारपुर शाम को पहुँच गए, बसा बड़िया तेज चल दी उधर। तो मैं शाम को कहें इतने हुशियारपुर आके गल सुन, मैनू जान की लोड़ नहीं है। उस तो पहले एक गल होर दस दें, चंडीगढ़ जिले पहुँचे असी, चंडीगढ़ तो बंदे का पता किया तो यह पता लगा कि वह मीटिंग च आ, जिस आदमी नू मिलना है वह मीटिंग च आ, 3-व्हीलर उधर नू घुमाया तो उत्थे पहुँच गया। मैनू बाहर खड़ा कर दिता, आप अंदर चला गया। जिस भी आदमी नू मिलना से वह कहिंदा कागज़ तो लिया मैं लिख दिया। तो बाहर आया कहिंदा काका कागज़ हैगा कोई? मैं क्या चौधरी कागज़ तो है नहीं, पर वो बच्चे आते तुरे 5-6 बच्चे स्कूल तो वापस आ रहे। मैं क्या बच्चो बात सुनो, हाँ अंकल जी मेरे को एक कागज दो, उस सारे ने वास्ते खोल लै। अंकल जी मेरे तो ले लो, मेरे तो ले लो। मैं जब जब सारे तो छोटा सी उन्होंने कहा तू दे दे, मैं वो कागज़ लैके लैना वाला कागज होंगे ना कापी का, उन्होंने दिता तो अंदर लै गया। अंदर जाके उन्हें लिख दिता, ये बियरर ऑफ दिस लैटर इज माई परसनल मैन, ही शुड बी एडजस्टेड वेयर एवर ही लाइक्स। मतलब ये मेरा आदमी है, जहाँ जो चाहेगा वहाँ इसको अपने एडजस्ट करने में ट्रांसफर कर देना। ले आया कहता जेब च पा लिया बॉम्बे, मैं कागज जेब च पा लिया, असं चले गए शिमले, लेकिन वापस आना पै गया। जल्द वापस इतने हुशियारपुर आए तो उन्हें कहा देख बेटा, बुधवार वाले दिन चौधरी अमर सिंह के घर में अखंड पाठ है। चौधरी अमर सिंह होते थे मंडी में, वो बहुत बड़े अच्छे नेक आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, गरीबों की मदद करते थे। तो मैं वहाँ आऊँगा, आपने वहाँ आ जाना सवेरे। तो मैं आ गया तो मेरा इंतज़ार कर लिया।
कहिंदा देख काका गल सुन, मेरे जान की लोड़ नहीं, एवें खर्च करना, एनू लिफाफे च पा, लिफाफे च पा, बस फड़ सीधा शिमले, ये बॉम्बे आ। कहिंदा मैं क्या अच्छा, चलो मैं शिमले चला गया। 2 बजे अंदर जाने की आग्या होंगी, मैं तुहानू बाबा फकीर की मेहर, गुरु की मेहर बताण लगा। मैं चला गया तो सबसे पहले सेक्रेटरी को मिलना पड़ता है, तो सेक्रेटरी साहब को कर, मैं कह सर जी, उन्हें लिफाफा खोलिया पढ़िया, कहता सॉरी काका ये तो साहब के नाते है, तो तू अंदर चल जा, साहब बैठे आ। मैं अंदर चला गया, मैं ब्याई का मिनिस्टर कल्ले बैठे, मंत्री जी श्री रामलाल जी ठाकुर थे मंत्री, उनके साथ मेरी एक फोटो भी है, वो बात छोड़ो, उसको क्या करना। तो मैंने वो लेटर उनके हाथ में दे दिया, उन्होंने पढ़ा, पढ़कर कहता बेटे बैठ जा। चपड़ासी को कॉल किया, चाय आ गई, बिस्कुट आ गए, अब देखते जाओ, चाय आ गई बिस्कुट आ गए। मैं देखूं कि हूँ मैं चाह पीमा बिस्कुट खावा की करा। उन्होंने भी बिस्कुट खाधा, चाह पीती, मैं भी पी गया। मैंने कहते बच्चा तू बता किस कॉलेज में जाना चाहता है, कभी ऐसा हुआ, तू किस कॉलेज में जाना चाहता है। मैं कह सर मैं कभी किसी को अपरूट नहीं किया जिंदगी में, मेरी नौकरी पहली है, तो मैं चाहता हूँ मुझे बिलासपुर दे दो, बिलासपुर से होशियारपुर में जा सकूँगा, मेरे दिमाग में और कोई आया ही नहीं। तो कहते ओके, उन्होंने टेलीफोन किया डायरेक्टर को, मेरा नाम बताया, इस बच्चे का अभी इसी वक्त इमीडिएटली ट्रांसफ़र ऑर्डर करना है। बच्चा और बता और सेवा। मैं कह सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपने पेरेंट्स के पास चल जाऊंगा, नज़दीक चल जाऊंगा, उनके मिलया करूंगा। बाहर आ गया, बड़ी खुश, वाह 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 फकीर कमाल कर दी, अब बस पकड़ूंगा, 2:30 बजे हैं, तेरा शाम तक मैं घर पहुंच जाना, फिर ऑर्डर आ जाएंगे तो जाके रिलीव करांगा। जिसने सड़क से बाहर आया तो अगे जोशी साहब चले आ रहे हैं, सुपरिटेंडेंट होते थे धर्मशाला, कभी सैर करते करते नमस्ते होती थी। ओ वाह 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 कमल जी, कहाँ तुम कहाँ से आ रहे हो। मैं कहा जोशी साहब मैं ईएम साहब को मिल के आया हूँ। क्या हुआ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया था ना धर्मशाला से रामपुर, तो मेरी ट्रांसफ़र ऑर्डर बिलासपुर हो गए, अब कहाँ जा रहे हो। मैं कहा घर होशियारपुर जाऊँगा, अरे नहीं जाना, अभी चलो मेरे साथ, अभी हम आपके ट्रांसफ़र ऑर्डर लेंगे और फिर हम घर चलेंगे, रात को मेरे पास रुकना, आपकी भाभी आपके पांव गर्म पानी से धोएगी, सुबह 4 बजे वाली बस आपको मैं हम बताऊंगा, पैसे चाहिए तो मैं पैसे भी दूंगा। जोशी साहब को मैंने नहीं बुलाया, कौन लाया, वहाँ से सीधे डायरेक्टर के दफ्तर, उसको टेलीफोन किया वहीं से, पीसी होते थे, शर्मा जी कोई ऑर्डर हुए, हाँ जोशी साहब वो जानते होते आपस में, अभी हुए कोई प्रोफेसर कमल है, बड़ा मीजिए ट्रांसफ़र हुए हैं जे, तो कहते बस तू निकाल में आ रहे हैं, मैं बाई हैंड लेने हैं, बाई हैंड ऑर्डर लिए, घर ले गया, बड़ी सेवा की, सुबह 3 बजे उठा, उसकी वाइफ ने परौंठे बना दिए, कहते सर बाहर ले लो भाई साहब, वहाँ खा लेना आपने, और 4 बजे मुझे बस बैठा दिया, 2 बजे मैं पहुँच गया। वही प्रिंसिपल वहाँ, मैं कह सर ही इज माई ट्रांसफर ऑर्डर, मैं रिलीव करो। कहते आपकी ट्रांसफ़र तो हो ही नहीं सकती, ये कैसे हो सकता, साल के अंदर तेरी ट्रांसफ़र हो गई है, ये फेक है, झूठ है। मैं कह अच्छा सर देख लो, आप जो कह रहे हैं देख लो, 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। मैं कह सर मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ, मैं जो अभी डॉक्टर साहब से जा EM साहब से बात कर लेता हूँ अभी, मारा चटका। कहते कमल तुम बहुत तेज आदमी हो, आते भी हवा की तरह हो और जाते भी तूफान की तरह हो। मैं क्या तुम नहीं जानते मेरे पीछे कौन है। ट्रांसफर हुई, रिलीव हुआ, मैं हर आया सड़क के ऊपर आया, रिलीव होकर ट्रक खड़ा एक, मैं क्या भाई साहब कितने जाना तुसी, कुछ लदना। कहते नहीं मैं तो कल्पा से आया हूँ धर्मशाला जाना।
ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਚੱਲ ਦੱਸ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ ਲਓ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਵਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਮ ਆਪ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਕੀਆ ਕੁਛ ਮੈਨੇ ਕੁਛ ਕੀਆ ਉਹ ਲੈਟਰ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਏਗੀ 11 ਮਹੀਨੇ 2 ਦਿਨ ਹੋਏ ਥੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਸੇ ਤੁਮੇ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਮਨ ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਤੁਮ ਕਲਪਤੇ ਹੋ ਜਬ ਤੁਮ ਉਸਕੀ ਡੋਰੀ ਉਸਕੇ ਹੱਥ ਮੇ ਛੋੜ ਦੇਤੇ ਹੋ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਕਿਸਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਮੇ ਕੋਈ ਕਿਆ ਹੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪੇ ਹੋਈ ਉਨਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਨੇ ਆਗੇ ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੁਮਿਰਨ ਭਜਨ ਕਰੇ ਮਨ ਮੇ ਉਸੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਲੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਮਨੇ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਫਿਰ ਪੜਦੇ ਲਾਈਨ ਜਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸੁਮਿਰਨ ਭਜਨ ਕਰੇ ਮਨ ਮੇ ਉਸੇ ਕੀ ਆਸ ਕਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਯਾਦ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਉਸਕੀ ਯਾਦ ਬਿਠਾ ਲੋ ਕਿ ਵੋ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਵੋ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸੁਪਨ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਸਤਿਤਵ ਵੀ ਉਸਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਬ ਵੋ ਇਸਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੋ ਇਹ ਅਸਤਿਤਵ ਵੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕੋ ਪਕੜੋ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸੰਤ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅਰੇ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਇਆ ਨਾਮ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਉਠੋ ਸੁਬਹਾ ਕਿਆ ਕਹਾ ਹੈ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਰਹੇ ਅਰੋਗਾ ਕਿਆ ਤੁਮ ਕਰਤੇ ਹੋ ਤੁਮੇ ਤੋ ਠੰਡ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਨਹਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹਾ ਲਵਾਂਗੇ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਉੱਠਣੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਨਹਾ ਲਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਗਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਰਹੇ ਅਰੋਗਾ ਮਨ ਅਰੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਰੋਗ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ਫਿਕਰ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਨੇ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜਿਨਕੇ ਸਾਥ ਤੁਮੇ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਬਈ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਮ ਜਪ ਕਰਤੇ ਹੋ ਉਸਕੋ ਮਾਲਕ ਕਾ ਨਾਮ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਜਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਵੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਵੋ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਮੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਆਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭੀਤਰ ਬਾਹਰ ਚਿਤਾਏਗਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੋਗੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਥੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਵੋ ਜੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਵੋ ਬਾਬਾ ਗਾਓ ਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਮੇਰੇ ਲੀਏ ਛੱਬੇ ਵਾਲ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਤੁਮ ਉਸੀ ਰੂਪ ਮੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਵਹੀ ਤੋ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਰੂਪ ਮੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੈਨੇ ਵੋ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਰੂਪ ਮੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭੀਤਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਚਿਤਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਉਸਕੋ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਮੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੁਝੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੇ ਲਿਖ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਤ ਲਿਖ ਦੀ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਆ
और मैंने कुछ भी नहीं किया, आई डिड नथिंग। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। तन में मेरे, तन में तेरे, मन में मेरे, तेरे सांसों सांस है। अब तो फैसला ही कर दिया। तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे सांसों सांस में। तोड़ा साह लैन वाला वही है, तोड़ा शरीर ओदे कारण है, तुम्हारा मन ओदे कारण है, वो नहीं तो तुम भी नहीं। इससे बड़ी बात और मालिक के कुल क्या कह सकता है दाता दयाल जी महाराज। यही तो बात मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि दाता मुझे लिखते थे, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे सांसों सांस। महाराज जी कहते मैं अज्ञानी था, मैं तो उनको जफ्फा पाया हुआ था, मैं समझता था जब मैं ध्यान करता हूँ गुरु मेरे अंदर है। उन्होंने समझाया कि वो तो तेरा अपना ही मन है, वो तेरा अपना ही मन है, तेरा ही मन रूप बनांदा, और तेरा मन ही तेरे रूप को तोड़ देता है। तो वो असल में कौन है, वो कौन है, वो सांस है। सांस कौन लेता है, कौन लेने वाला सांस, आत्मा लेती सांस नहीं। आत्मा ने शरीर को गर्म रखा हुआ है, पल्पिटेशन हो रही है, वो यहाँ है, यहाँ है, सुरत है आपकी सांस लेने वाली। उसको पहचानो, वो ही, वो सुरत ही तुम्हारा गुरु है, और उसका प्रकाश गुरु के चरण है, और उसका शब्द गुरु का रूप है। यही बात बाबा फकीर ने सारे उम्र तक यही हमें समझाया। कोई भाग्यशाली जात जिसने पकड़ लिया, नहीं तो सभी बाबा फकीर को जफ्फी बांट कर बैठते रहे। क्या कहा मैंने, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे सांसों सांस में। तुम उसको अपने अंदर क्यों नहीं पुकार करते, तुम बाहर क्यों पुकार करते हो? तुम्हारी बाहर की पुकार मैंने बोल दिया, उसकी लिमिट है, वो वहां नहीं पहुंचेगी। मन की पुकार भी वहां नहीं पहुंचेगी, शरीर की पुकार वहां नहीं पहुंचेगी, और आत्मा की पुकार भी वहां नहीं पहुंचेगी। तुम जब अकेले हो जाओगे, इनसे अलग होकर पुकार करोगे, वो वहां पहुंचेगी। क्या कहा मैंने, आगे बोलो, क्या कहते हैं दाता दयाल। तन में तेरे, मन में तेरे, तेरे सांसों सांस है। हाँ। रहे के अपना रूप भी तुझको दिखाएगा। जब तुम्हें ये विश्वास हो गया कि वो है और मेरे ही अपने अंदर है, इस शरीर में है, मन से परे है, आत्मा से परे है, विचारों से परे है, बुद्धि से परे है, तो दाता दयाल कहते फिर तुम्हें तुम्हारा रूप भी नजर आ जाएगा। क्या कहा दाता ने, तुम देखोगे तुम कौन हो। यही तो शब्द था जो मैंने पढ़ा 1956 में पहली बार, जो दाता ने अपने आप मुझे निकाल कर दिया, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप प्यारा लगे, पर इससे उसको भी दिखलाओ, इससे जो तुम्हारा अब रूप है, इससे मुझे उसको देखने की भी ताकत बख्शिश करो। क्या कहा, आगे चलो। घट में है वह, घट में है, घट में है वह, पट में है, संसार के खटपट में है। तुम्हारे शरीर के रोम रोम में वो ही है, और संसार की खटपट में भी वो ही है। आगे चलो। घट में है वह, पट में है, संसार के खटपट में है, तुझको क्यों चिंता है, खटपट को मिटाएगा। तू क्यों चिंता करता है, तेरे मन की सारी खटपट उन्हें आपे खत्म कर देगी। कीना मैं गया जिसले महाराज के पास, कहते बेटे पानी एक जगह गंदा हो जाता है, ले खटपट सारी खत्म कर दी। और धर्मपत्नी ऐसी मिली जिसने रस्ते पर लगा दिया, ले इतने कहने बह गया, जाओ बाबा जी देखो साडा है ही सब कुछ, वो ही तब भी वही था, आज भी वही है, और कल को भी वही है। दूसरा कोई हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता मेरे लिए, केवल वही है, हर वक्त मेरे अंग संग है।
कैसे उनके वचन के रूप में, उनकी वाणी के रूप में, उनकी शिक्षा के रूप में, उनके मुखारविंद से मेरे लिए जो शब्द निकले हुए हैं उनके रूप में वो मेरे साथ हमेशा है, मुझे कभी कमजोर नहीं होने देते। आगे पढ़ो। राधा स्वामी नाम ले और नाम में विश्राम ले। उन्होंने कहा तुम कुछ ना करो, राधा स्वामी नाम जपो और उसी में अपने आप को आराम पाओ। मैं नहीं कहता कि तुम राधा स्वामी जपो, तुम जो अच्छा लगता है वो जप लो भाई, लेकिन जो किसी महापुरुष के मुखारविंद से शब्द निकला है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है, उसमें उनका हित होता है, उसमें उनकी आशीर्वाद होता है और आशीर्वाद काम करता है। मेरी बात आप समझ रहे? इसलिए क्योंकि मैं राधा स्वामी को मानने वाला हूँ और राधा स्वामी को पहचाना कि वो क्या है, इसलिए मैं तो इसी की हमायत करूँगा। मेरे लिए और कोई ना राम है, मैं नहीं हूँ राम का और कृष्ण का सेवक, ऐसा दाता दयाल ने लिखा है। मैं नहीं राम, मैं हूँ फकीर दीवाना। तो ये कहा ना, मुझे अगर फकीर मिल जाए तो अपने चाम की जूती उनके पाँव में पहुँचा दूँ, मैं तो उसका ही दीवाना हूँ और किसी का नहीं हूँ। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। राधा स्वामी नाम ले और नाम में विश्राम ले, नाम की धुन राग अनहद में सुनाएगा। और वही तुम्हें अंदर अनहद में सुनेगा, जिसका तुम सिमरन कर रहे हो उसी का सिमरन किया करो दिन रात सुबह शाम। अरे वहाँ तक मैं तो कह देता हूँ, सुबह नाम जपो, उठो नहालो, 10 मिनट लगा दो मन के, शाम को सोने से पहले 10 मिनट उसको याद कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दिन को काम करो जो भी मिला, सच्चे दिल से करो, साफ नीयत से करो, किसी का बुरा मत समझो, तुम्हारा अपने आप कल्याण हो जाएगा। सच्चे दिल से चाहता हूँ, मैंने बहुत कुछ आज आपको कह दिया, महाभारी सत्संग था। आप सब सुखी रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, आपस में प्यार से रहो और घरों में सुख और शांति रखो। मेरा सबको बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। लंगर तैयार है तुम्हारा? लंगर सबके लिए तैयार है, लंगर खा के जाना सब। चलो आरती पढ़ो। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, भरत आदम और रामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, परम संत का